In today's class, what I'm going to take in today's class, I will cover the literary works of जॉन मिल्टन. जो जॉन मिल्टन का literary works है उसको हम कवर करेंगे. और उसमें अगर आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन का जो literary works है, we all know कि उनका सबसे important work जब जहाँ से उनको एक popularity मिलती है, वोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट देखी. तो ये what type of poem it is and under what situation John Milton composed the poem, what is the theme question has been asked especially from this poem. I will go away. सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि on the morning of Krishna nativity it's an ode, ode, और हमें पता है कि क्या होता है, इट्स अ लिटरेरी फॉर्म. जो ओड इज अ लिटरेरी फॉर्म, और एक एक ऐसा फॉर्म होता है कि ओड एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें जो है राइटर क्या करता है, किसी चीज को एक तरह से वो इंट्रोड्यूस करता है. द राइटर द जो ओड है या एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें राइटर क्या करता है, राइटर जिसे एक वर्ड कहा जा सकता है, ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू. ओड जो होता है वो किसी के लिए लिखा जाता है. इसमें ओड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ओड के लिए एक वर्ड ये भी कहा जाता है कि ओड इज मच लॉन्गर देन द लिरिक. तो इट हैज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, लेकिन जो लिरिक पोयम है उससे यह बड़ी होती है. तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है जब भी हम ओड के बारे में बात, क्यों होता है या क्या होता है, ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, ओड इज व्हाट, व्हाट इज ओड इज जस्ट लाइक लिरिक बट इट इज मच लॉन्गर देन द लिरिक प्रॉपर. ये जो है लिरिक प्रॉपर से बड़ा होता है पोएम का जो शक्ल होता है. अब हम लोग जो इस पे बात करेंगे, इस पे किस पोएम की बात करेंगे, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिश्न नेटिविटी को लेके बात करने जा रहे हैं. ये पोएम जो है जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा, नंबर वन पॉइंट. And in 1629, John Milton was pursuing his BA degree from Cambridge University. वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री परसू कर रहे थे, एक चीज. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो पोयम है John Milton के कलेक्शन ऑफ द पोयम 1645 में पब्लिश हुआ था. तो अगर हम डेट के बारे में बात करेंगे तो हमें इस पोयम से रिलेटेड दो डेट ध्यान में रखनी है. नंबर वन, द पोयम पब्लिश द पोयम वॉज रिटन इन 1629 एंड इट वॉज द फर्स्ट पॉपुलर पोयम, वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन विच ब्रॉट नेम एंड फेम टू हिम. और ये जो पोयम है ये बताती है कि आने वाला वर्क मिल्टन का कैसा होगा, रिलीजियस स्पिरिट, प्रोटेस्टेंट का थॉट, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो. क्योंकि जिस हिसाब से जीसस क्रिस्ट को लेकर के, जिसको जो है ये कहा जाता है कि ही वॉज द सन ऑफ गॉड, गॉड सेंट हिम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग टू अर्थ, ये जिस तरह का थीम उन्होंने रखा हुआ है, लिया है, वो चीजें हमें और देखने को कहा मिलता है इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, एंड ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट वट की उनका जो आर्टिस्ट ब्लाइंडनेस है उन सब में भी. सो रिमेम्बर दैट की ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इट्स द ओड, इट्स अबाउट हुम, इट्स अबाउट द जीसस, अबाउट द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, उनका जीसस क्रिस्ट का बर्थ के है, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो. उसके बाद ये पोयम जो है जॉन मिल्टन का एक कलेक्शन ऑफ द पोयम आया था, उसका क्या नाम था कि पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन. ये एक कलेक्शन, ये पूरा यहाँ से टाइटल है पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन. ये कलेक्शन 1645 में आया था. 1645 में पहली बार ये पोयम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी उसमें पब्लिश होता है. द पोयम डिस्क्राइब्स क्रिस्ट इनकार्नेशन, जो पोयम है ये जीसस क्रिस्ट के इनकार्नेशन को बताता है. इनकार्नेशन का मतलब उनके धरती पर आने का, उनके जन्म लेने का, उनके अवतरित होने का, उनके अवतरित होने का, एज वी ऑल टू नो अबाउट की विष्णु के अवतार किस तरह से, लॉर्ड रामा, देन वी कम टू नो अबाउट कृष्ण कि वो सब कैसे उनके अवतार है. इन द सेम वे वी आर सो कम टू अबाउट व्हाट वी आर सो कम टू नो कि इनकार्नेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट का धरती पर अवतरित होना, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, व्हेन यू गो विद दिस पोयम व्हाट यू फाइंड कि जब वो आते हैं
तो उन्होंने इस पे बताया कि उनके आने की वजह से, या जब वो धरती पर जन्म लेते हैं, तो जो पेगन पार्स है उनका इरेडिकेशन होता है। दूसरा उन्होंने पोयम का जो कि एज जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न या एज ही पेगन दूसरा इट मीन्स दैट ही केम वेर ही केम इरेडिकेट पेगन पार्ट्स, वही अभी लिखा गया, एंड ही इज ओवर थ्रो द अर्थली एंड पेगन पार्ट्स। सो इसका दो थीम बस आपको ध्यान में रखना है, द इनकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड ड्यू टू द इनकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट वी फाइंड द इरेडिकेशन ऑफ द पेगन पार्ट्स। द पोयम आल्सो कनेक्ट द इनकार्नेशन विद जीसस क्राइस्ट क्रूसीफिक्शन, उनका क्रूसीफिक्शन को भी ये इनडायरेक्टली कनेक्ट करता, वहां तक ले जाता है। तो अब उसका कितना पार्ट बन गया, तीन पार्ट बन गया, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट की एज ही केम ही वाज सेंट फॉर व्हाट, ही वाज सेंट एज क्रिश्चियनिटी बिलीव ही वाज सेंट टू इरेडिकेट द अर्थली एंड पेगन पार्ट्स, नंबर थर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग ही क्रूसीफाइड हिमसेल्फ, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी ही क्रूसीफाइड, उनका क्रूसीफिक्शन भी इसमें किया गया। अब उसके बाद कई बार मैंने देखा टीजीटी पीजीटी में भी ये इसके फॉर्म को लेकर के बात की गई है, स्टैंजा फॉर्म को लेकर के, इसके राइट पैटर्न को लेकर के, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा रखता है, वर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो इसका स्टैंजा है द पोयम इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, कितने से डिवाइड किया गया, दो सेक्शन में, एच वाई एम एस। हिम्न क्या होता है, हिम्न ऐसी लाइंस, सच लाइंस ऑफ द पोयम या सच सा कंपोज इन द एडमिरेशन ऑफ गॉड, ऐसी लाइनें या ऐसी पोयम्स जो कि ईश्वर की स्तुति में, ईश्वर की वंदना में गाई जाती है, लिखी गई, उसको क्या कहा जाता है, द हिम्न गाइड। पहला हिस्सा क्या है, द हिम्न है, और जो हिम्न है इस कंप्राइजेस द बल्क ऑफ द पोयम, हिम्न है या पोयम के बड़े हिस्से को कवर करता है, और कितने हिस्से में, 20 स्टैंजा, ये आप ध्यान में रखना है कि जो हिम्न है वो कितने स्टैंजा ही पोयम 7 स्टैंजा को इसके अलावा इसमें चार स्टैंजा का एक प्रीफेस लिखा गया है, इस प्रीफेस बाय अ फोर स्टैंजा इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इसमें जो है क्या किया गया, एक प्रीफेस लिखा गया है जो फोर स्टैंजा इंट्रोडक्शन का काम करता है। सो पोयम इज डिवाइडेड, द पोयम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, द फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज द हिम्न, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि द हिम्न वर्सेस आर द पोयम कंपोज इन द एडमिरेशन टू गॉड, और जो हिम्न है बल्क ऑफ द पोयम है, ये 27 स्टैंजास को कवर करता है, और इसमें जो है फोर स्टैंजास वो एक इंट्रोडक्शन जो प्रीफेस के रूप में पोएट उसमें बताता है उसका पोयम लिखने का पर्पस क्या है, वो एक प्रीफेस पोएटिक फॉर्म में ही प्रेजेंट करता है। फिल्टर्स का जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, इंट्रोडक्टरी स्टैंजा मतलब जो फोर स्टैंजा जो प्रीफेस के रूप में है, विल्टन्स का इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, विल्टन्स इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, जो विल्टन्स का इंट्रोडक्टरी स्टैंजा था वो कितने लाइंस पे, 7 लाइंस ईच, 7 लाइंस पे, विल्टन्स इंट्रोडक्टरी स्टैंजा आर 7 लाइंस ईच, 5 लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 5 लाइंस जो है वो कितने मीटर में, आयाम्बिक पेंटामीटर में है, यू की ए बी बी, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड व्हाट डू यू गेट हियर, यू गेट हियर कि विल्टन्स का जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा है वो किस पे है, 7 लाइन पे, एंड व्हाट डू यू मीन इन बाय इंट्रोडक्टरी स्टैंजा, जो फोर स्टैंजा जो प्रीफेस के रूप में काम कर रहे हैं, और वो जो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा कि टू का जो 5 लाइन है, लेकिन वो कितने लाइन का है, 7 लाइन का है, बट शुरू का जो 5 लाइन है वो आयामिक पेंटामीटर में है, जिसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी पी, इट मींस दैट द फोर स्टैंजा ऑफ पोयम कंसिस्ट्स 7 लाइंस,
द बिगनिंग फाइव लाइन्स आर इन आयाम्बिक पेंटामीटर एंड इट हैज द राइम स्कीम, ए बी ए बी बी. सो आई केम टू डू दैट, यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट टू टेल यू. अब इस शीट पर मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं फिर से रिविजन कर दू कि आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्टन्स पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. This written in 1629 when he was pursuing his BA degree from Cambridge University Christ College. And second important point ki the poem published in aap keh sakte hai ki in 1645. Collection of the poem hai jo 1645 pe aaya hua tha, uspe ye poem jaake publish hoti hai, lekin 16 kya. ये पोयम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट्स इन द फॉर्म ऑफ ओड, एक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड इन ओड समवन इज इंट्रोड्यूस्ड, ओड इज नॉट रिटन एंड ओड इज मच लार्जर देन द लिरिक. ओड हैज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ओड हैज द सिमिलरिटी विद लिरिक. ओड के बेसिक होती है लिरिक के साथ, लेकिन में डिफरेंस क्या होता है, लिरिक में भी जो है सीरियस सब्जेक्ट मैटर, डिफाइंड थॉट और ट्रीटमेंट उसका भी वैसी होता है जैसे ओड में वो सब चीजें. द प्रेजेंट ओड, ओड आर द बॉडी ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज अबाउट द बर्थ ऑफ द जीसस, अबाउट द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट एंड देन ही वाज पेगन पार्ट क्रूसिफिकेशन. This crucifixion is for who? For the welfare of the human beings, for to save humanity, to save goodness and virtue. He was crucified. Yeah, he sacrificed himself. If you talk about the form of the poem, so the poem is two. How many stanzas? 27 stanzas. जो फोर स्टैंजा वो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा है इसमें है, फाइव इंट्रोडक्टरी स्टैंजा फाइव लाइन सॉरी सेवन लाइन पे है. देखिए जो उनमें से जो शुरू का है इसमें है उसका वो आयाम्बिक पेंटामीटर में है और उसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी बी फॉलोड बाय आगे का. Jagriti says she is not getting my voice and same thing was said by Bushra. क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? Can anyone respond me? Okay. Now can you tell me now are you getting my अब जा रही आवाज? I have put off my camera. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now clear. Okay. Okay, that's good. That's good. So, जितना मैंने क्लियर किया था वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी इस पेज का, इस शीट का. ओके आरिफा, ओके. तो इस शीट की जितनी चीजें थी वो क्लियर हो गई थी. मैंने बताया कि जो पांच लाइन था वो तो आयाम्बिक पेंटामीटर में था, लेकिन जो उसमें से दो लाइन उसका राइम स्कीम एक जैसा चलता, तो 27 स्टैंजा रहे और वो 27 आयाम्बिक पेंटामीटर इसकी का क्या था, ए बी ए बी 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 ए बी बी. सो वी कम टू नो कि दिस वाज द राइमिंग स्कीम की ये उसका रहा था. अब अगर हम इस पे बात करें कि ये जो राइमिंग स्कीम रहा है इसमें ये फर्स्ट फाइव लाइंस का था, तो फर्स्ट फाइव लाइंस में जो है क्या कर रही है, फर्स्ट लाइन जो उसका थर्ड से राइम कर रही है, फिर जो सेकेंड था वो फोर्थ से राइम कर रहा है और सेकेंड जो है फोर्थ और फिफ्थ से तीनों से राइम कर रहा है. ये फाइव लाइंस कर रहा है,
और जो लास्ट का दो लाइन बचा हुआ वो राइमिंग कपलेट, मतलब वो एक अलग पैटर्न पे चल रहा था, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो किस पे था, वो राइमिंग कपलेट पे रहा है। द फाइनल लाइन ऑफ ईच स्टैंजा इज रिटन इन आयामिक हेक्सामीटर। हर लाइन का जो फाइनल स्टैंजा का जो भी मतलब जो फाइनल लाइन है ईच स्टैंजा का, वो किस पे लिखा गया है, आयामिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। आयामिक हेक्सामीटर वी ऑल नो की 6 feet और 12 syllable, तो आयामिक पेंटामीटर आयामिक हेक्सामीटर। जब हम आयामिक की बात करते हैं तब क्या होता है, अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा कॉमन हो गया, कई बार बताया गया, इवन यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो यू ऑल नो की आयामिक मीटर का एक टाइप होता है। और जब आयामिक मीटर का एक टाइप है तो वो कैसा मीटर होता है, उसमें जो पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, अगला वाला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। इसका मतलब जो ब्लैंक वर्ड है और जो हीरोइक कपलेट है वो किस पे लिखा जाता है, आयामिक मीटर में लिखा जाता है। पेंटा क्या होता है, पेंटा इज अ फाइव, पेंटा इज अ फाइव, इसका मतलब कि अगर हम पेंटा आयामिक के साथ अगर हम पेंटा जोड़ते हैं तो उसमें 5 feet होगा और 10 syllable होगा। हेक्सा का क्या मतलब होता है, 6 होता है। जब आयामिक के साथ हेक्सा मीटर जोड़ा जाएगा तो हेक्सा का मतलब कि उसमें 6 feet होगा, 12 syllable होगा। ऐसे ही सेप्टा होता है, सेप्टा माने 7 feet और 14 syllable होगा। ऐसे ही आक्टा होता, आक्टा माने 8, 8 का मतलब कि 8 feet और उसके बाद आपका 60 जाकर के जो है सिलेबल हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर यू गो विद द पार्टिकुलर पोयम, यू हैव टू गो विद द थीम, यू हैव टू गो विद द स्ट्रक्चर, यू हैव टू गो विद द मीटर, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड। यही सारी चीजें जो उसका क्या है। फिर ये तो पहले पार्ट का था, पहले पार्ट को मैंने क्या बताया था, दैट वॉज द हिम्न, पहला पार्ट हिम्न था। दूसरा पार्ट अब क्या है, द हिम्नल स्टैंजास आर 8 lines ईच। जो हिम्नल स्टैंजास है वो कितने लाइन्स के रहे, 8 lines के। ये दूसरे पार्ट का हिस्सा बन रहा है, पहला तो हिम्न था, दूसरा जो हिम्नल स्टैंजास है वो 8 lines ईच और यूनिफॉर्मिटी रिटेन इन आयामिक मीटर। जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है 27 के अलावा वो सब के सब किस पे, आयामिक मीटर पे है। As in the introductory stanzas, the final two lines form a rhyming couplet. और उसमें भी जो है, उसमें जो दो लाइन हर स्टैंजा का होता है वो एक राइमिंग कपलेट पे होता है विद अ लाइन इन टेट्रामीटर। और उसमें भी वो जो होता है किस लाइन में होगा, टेट्रामीटर में होगा। टेट्रामीटर का मतलब क्या हो गया, टेट्रा का मतलब जो है 4 feet and 8 syllable, टेट्रा। पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, टेट्रा, ये सब हमें मीटर भी पता होना चाहिए। तो टेट्रा मीन्स 4 feet and 8 syllable फॉलोड बाई अ लाइन इन हेक्सामीटर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जो राइमिंग कपलेट होगा, राइमिंग कपलेट में जो दो लाइनें होगी, एक लाइन तो टेट्रामीटर में होगा लेकिन उसके बाद वाली जो लाइन होगी वो हेक्सामीटर में होगी। विच क्लोजेस आउट ईच स्टैंजा, द फर्स्ट 6 lines आर मेड अप ऑफ 2 tercets। जो शुरू का 6 lines है उसको टर्सेट में डिवाइड किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्सेट, टर्सेट का मतलब कि 3 lines स्टैंजा, टर्सेट मींस 3 lines। अगर कुछ नहीं समझ में आता बस अभी इतना समझ लेना कि व्हाट इज टेट्रा, व्हाट इज हेक्सा, व्हाट इज टर्सेट, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज राइमिंग कपलेट, इसके माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि ये चीजें रही है, तो वो चीजें समझना आसान हो जाएगा आगे चल के। तो जब जो 6 lines है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, 3-3 lines का, उसको क्या कहा गया, टर्सेट कहा गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय द राइमिंग स्कीम, और ये जो 6 lines रहा है जो कि 3-3 में बांटा गया, उसका राइमिंग स्कीम क्या था, AABCCB, दिस इज द राइमिंग स्कीम, AABCCB। इसका मतलब पहली लाइन किससे, दूसरी लाइन से और फिर आपका चौथी और पांचवी कर रही है। राइमिंग पैटर्न यू कैन जस्ट गो ए ए ए पहली लाइन, फिर दूसरा दूसरा जो ए है वो दूसरी लाइन, दोनों को ए भी तीसरी लाइन अलग है, लेकिन जो बी है वो फिर छठी लाइन से जाकर के राइमिंग कर रहा है। तो पहली लाइन दूसरी लाइन से, तीसरी लाइन छठी लाइन, पांचवी है, वो एक पैटर्न पे चल रही है। The first two lines of each tercet are in trimeter में, किस मीटर में, trimeter में।
एट द थर्ड इज पेंटामीटर, और जो थर्ड है वो किस पे है, पेंटामीटर। इन्होंने ये भी बता दिया कि जो छह लाइन को बांटा गया किस में बांटा गया, छह लाइन को जो टर्सेट में बांटा गया उसमें जो है, जो टर्सेट का मतलब थ्री लाइन सिस्टम था, तो उस टर्सेट का जो पहले का दो लाइन रहा है वह ट्राईमीटर में रहा है। वह किस पे रहा, ट्राईमीटर पे। ट्राईमीटर मतलब थ्री फीट और सिक्स इलेवन। लेकिन जो तीसरा लाइन था उसका वह पेंटामीटर पे रहा। पेंटामीटर का मतलब आयामिक पेंटामीटर को फॉलो किया होगा, वो फाइव फीट और टेन सिलेबल को। ये चीज पोयम का थीम क्या है, जैसा पहले बता दिया कि पृष्ठ के बर्थ को लेकर के बात की गई है। द फीस्ट ऑफ द सर्कम सीजन, गुड फ्राइडे पर उनका जन्म, उसको लेकर के नेटिविटी को बात की गई है। इनकार्नेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की बात की गई है। एंड द इरेडिकेशन ऑफ पेगन पार्ट को लेकर के बात की गई है। सो वी कम टू नो अबाउट व्हाट, वी कम टू नो ओड ऑफ द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मैं नहीं कहता कि बहुत पॉपुलर है या इतना दिमाग इतना बताया कि आपको लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप हल्का सा भी इसमें ध्यान में रखेंगे तो कई चीजें क्लियर हो जा रही है। ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, राइमिंग की बात, और फिर उसके बाद जो है हिम्न क्या है, कितने स्टैंजास, 27 स्टैंजास, थीम क्या है, 4 स्टैंजास जो है वो कैसे चल रहे हैं। तो वी ऑल केम टू नो अबाउट इट। इस पोयम को लेकर के क्या क्रिटिकल रिस्पांस रहा है, एक क्रिटिक है जिनका नाम है थॉमस कॉर्न, THOMAS, कॉर्न CORN, थॉमस कॉर्न नाम के एक क्रिटिक है। उन्होंने कहा था कि जनरली बी रिकॉग्नाइज एज मिल्टन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। ये जो है क्या किया गया था कि ये मिल्टन का पहला मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा जाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र, कि हम घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में हमारा इरादा क्या है, हम क्या करेंगे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, तो इस पोयम को मिल्टन के घोषणा पत्र के रूप में देखा गया था। एज द पोएट वो क्या करेंगे, पोएटिक जीनियस एज क्वालिटेटिव पोयम टू बी साइड लिसिडास। और एक ऐसी पोयम है जिसको लिसिडास के लगभग उसी के समकक्ष रखा, एलॉन्ग साइड लिसिडास। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि देर इज अ क्रिटिक थॉमस कॉर्न। थॉमस कॉर्न ने इस पोयम की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि इस पोयम में मिल्टन ने अपने रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड को दिखाया है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन के जो बीज है वो इसी पोयम में बो दिए थे, कि आने वाले समय में वो जिस एज से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ रिफॉर्मेशन, वो एज ऑफ रिफॉर्मेशन से स्पिरिट है, दैट पर्टिकुलर रिलीजियस स्पिरिट विल बी देयर, स्पिरिचुअलिटी हो गया, आज दिस इज बिकम टू, तो वो उसको उस पे लेकर के बात करते हैं। आई थिंक कि यू केम टू नो, ये चीजें क्लियर होगी। जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस, गिव मी क्विक रिस्पांस। ठीक, या जागृति गॉट योर रिस्पांस, आई विल डिस्कस बेटर इन एनी अदर क्लास, बट द रिमेनिंग पार्ट आई विल कवर टुडे। नाउ इट्स अनदर वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, दैट इज मिल्टन 1645 पोएम्स, एंड इट्स द कलेक्शन ऑफ द पोएम। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मिल्टन 1645 पोएम, व्हाट टाइप ऑफ पोएम यू फाइंड हियर, एंड इन व्हाट वे दिस पोएम हैज बीन रिटन, एंड व्हाट पोएम्स हैव बीन इंक्लूडेड हियर, यू विल कम टू नो इन अ वेरी डिटेल्ड वे। सो मिल्टन 1645 जो पोएम्स है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम डिवाइडेड इनटू सेपरेट इंग्लिश एंड लैटिन सेक्शन। इसमें उनका जो इंग्लिश और लैटिन सेक्शन है वो शामिल किया गया था। इट इंक्लूड सच नोटेबल वर्क एज, इसमें कौन कौन सा वर्क है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, कॉमस है, लिसिडास है। 1673 अ ईयर बिफोर हिज डेथ, मिल्टन इशूड अ रिवाइज एंड एक्सपेंडेड एडिशन। ये जो 1645 पोएम्स इनका आया था, द एक्सपेंडेड एडिशन ऑफ दिस पोएम केम इन 1673। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट, बट दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि द 1645 एडिशन वाज एक्सपेंडेड इन 1673, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट डेट के पर्सपेक्टिव से जो है। मिल्टन इशूड अ रिवाइज एंड एक्सपेंडेड एडिशन ऑफ द पोएम्स, विलियम मार्शल डिजाइन। इट्स अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो पोयम आया था 1645 में, उसका जो कवर पेज था उसको किसने डिजाइन किया गया था, इट वॉज डिजाइन बाई विलियम मार्शल।
विलियम मार्शल डिजाइन द फ्रंट पीस ऑफ 1645 पोयम. द पोयम इंक्लूड एल एलिग्रो, आई एल पेंसिरोजो, आर्केड्स ऑन शेक्सपियर, सॉन्ग ऑन बे मॉर्निंग अपॉन द सर्कमसिजन. ये सारा पोयम इंक्लूड किया गया था. तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो 1645 का एडिशन है, इसका एक्सपेंडेड एडिशन 1673 में आया था. प्लस विच पोयम्स इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन ऑफ द पोयम. इन दिस कलेक्शन ऑफ द पोयम वी कम टू नो अबाउट व्हाट व्हाट आर द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, कामर्स, लिसिडास, एंड यू फाइंड व्हाट एल एलिग्रो, आई एल पेंसिरोजो, आर्केड्स ऑन शेक्सपियर, सॉन्ग ऑन मे मॉर्निंग अपॉन द सर्कमसीजन. And if other important point ki its the front piece was prepared by who? William Marshall. इसमें कुछ लैटिन पोयम को भी इंक्लूड किया गया था. द लैटिन पोयम ये जो कंक्लूड होता है इसका, इस एडिशन का, इट कंक्लूड्स विद द लैटिन पोयम एपिटाफियम डो डामोनिस. इट्स अ लैटिन पोयम जो एलिजी के फॉर्म में रहा है और ये पोस्ट ऑन द डेथ ऑफ मिल्ट बेस्ट फ्रेंड चार्ल्स दायोदति. चार्ल्स दायोदति वाज मिल्टन्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑन हिज डेथ ही हैज रिटन एन एलिजी इन लैटिन एंड द नेम ऑफ दैट पोयम वाज व्हाट एपिटाफियम डामोनिस. मिल्टन 1673 पोयम्स इंक्लूड ऑल द अर्लियर पोयम्स. पहले जितना भी पोयम्स आया था 1645 में वो सारे पोयम्स को इंक्लूड किया गया. 1673 में कुछ उसमें जो है ओनली 2 or 3 मिनट्स उसपे, उसके बाद हम कंप्लीट कर दे रहे हैं. इट आल्सो इंक्लूडेड अ ट्रैक्ट ऑन एजुकेशन. इसमें इसी इसमें एक ट्रैक्ट को भी शामिल किया गया था. और ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इनफाइट डाइंग ऑफ अ कफ, ये भी एलिजी था, इसको भी इसमें शामिल किया गया था. इवन ऑन हिज ब्राइडनेस आल्सो इंक्लूडेड. ये कौन सी बात चल रही है? जो 1673 वाला एडिशन आया था उसकी बात चल रही है. 1673 जो एडिशन था उसमें ये चीजें बाद में शामिल किया गया था. इट आल्सो इंक्लूडेड अ ट्रैक्ट ऑन एजुकेशन, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इनफैंट डाइंग ऑफ अ कप एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस. यू सी इट हियर. 1645 में आया था. 1645 के बाद कब आया था? 1673 में. जब 1673 का एडिशन आया तो उसमें जो है पहले 1645 वाली पोयम भी शामिल किया गया था और बाद में इसको ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इनफैंट डाइंग ऑफ अ कप on his blindness. And already I told you on his blindness it's the title that has been given by a critic, but it's the original title is when I consider how my light is spent. Jo on his blindness jo poem raha hai, ye kitab mein to printing ke roop mein 16ve number pe raha hai, lekin Milton ne isko bataya tha ki ya unka 19 number ka elegy raha hai. And this is the last work of Milton which I have to discuss today, El Eligro. एल एलिग्रो एक पेस्टोरल पोयम है बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन 1645 पोयम्स. ये भी 1645 के कलेक्शन में शामिल किया गया. एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है कि द हैप्पी मैन. एल एलिग्रो मीन्स अ पोएट इन हैप्पी मूड या एनी पर्सन दैट इज इन हैप्पी, अ हैप्पी मैन, अ मैन इन चीयरफुल मूड. एंड द पोयम स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ द सन. Has, और ये जो है किसका है? ये पेयर्ड पोयम में लिखा गया है. ये पेस्टोरल फॉर्म में रहा है. ये कॉम्प्लीमेंट्री पोयम था किसका? आई एल पेंसिरोजो का. आई एल पेंसिरोजो का मतलब होता है द मेलंकॉली मैन. दीस टू क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इवन इन टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी नेट वाले भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एल एलिग्रो एंड व्हाट डू यू मीन बाय आई एल पेंसिरोजो. सो एल एलिग्रो और जो आई एल पेंसिरोजो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पोयम है और एक ही मैन का जो है कंडीशन को बताता है जिसमें वो चीयरफुल कंडीशन में है और मेलंकॉलिक कंडीशन में. विच डिपिक्ट्स अ सिमिलर डे स्पेंट इन कंटेम्पलेशन. और एक ही डे को लेकर के बात करता है. मॉर्निंग में उसका क्या मूड है, इवनिंग में उसका क्या मूड है. इन द पोयम द नरेटर इन्वोक्स. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. इस पोयम में नरेटर ने किस देवी को इन्वोक किया हुआ? बर्थ नाम की देवी को. बर्थ को या उसी बर्थ को क्या कहा गया? यूफ्रोसाइट. This question has been asked. In the poem, the narrator invokes birth slash Euphrosyne and her divine parentage. Then I explained ki Euphrosyne kis tarah ki devi thi. Greek, in ancient Greek religion and mythology, Euphrosyne was a deity. Euphrosyne Greek ki ek devi thi. One of the charities known in ancient Rome. और जिनको रोम में भी इस तरह से जाना जाता है और किसके नाम से? ग्रेटिया के नाम से.
शिवा द गॉडेस ऑफ गुड्स, और जो गॉडेस थी चीयर की, जॉय की, बर्थ की गॉडेस थी। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, जो पोयम का शुरुआत होता है किससे होता है, राइजिंग ऑफ द सन से। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, जो पोयम का शुरुआत होता है वो किससे होता है, राइजिंग ऑफ द सन से होता है। एंड इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू cheerful mood. The poem begins with the rising of the sun. In the poem, the poet is in cheerful mood. जो poet है किस mood में, cheerful mood में. So again, I would like to explain here what कि जो El Allegro है, it's a pastoral poem. यह एक pastoral poem है, composed by whom? Composed by John Milton and published कब, किसमें publish हुआ था? 1645 वाला जो उनका collection of the poem है, उसमें publish हुआ था। एल एलिग्रो का मतलब होता है कि द पोएट इज इन हैप्पी मूड, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पोएम है आई एल पेंसिरोजो का। आई एल पेंसिरोजो का मतलब होता है कि द पोएट दैट इज इन मेलंकोलिक मूड, और ये क्या करता है, इट डिपिक्ट्स अ सिमिलर डे स्पेंट इन कंटेम्पलेशन एंड थॉट। इसमें पोएट किसको, एक मर्थ या यूफ्रोसाइनी नाम की एक देवी को आह्वान करता है और उसके पैरेंटेज को भी आह्वान करता है। यूफ्रोसाइनी क्या थी, यूफ्रोसाइनी एंशियंट ग्रीक या रिलीजन माइथोलॉजी में एक देवी है जिनका जिक्र किया गया, और यह देवी किसको रिप्रेजेंट करती है, चीयर को, जॉय को, मर्थ को रिप्रेजेंट करती है। द पोयम बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिल्टन का वो कौन सा पोयम है जो दिन निकलने के साथ शुरू होता है। दिन निकलने का मतलब कि किसी पर्सन में एक आगे बढ़ने का टेंडेंसी है, उसमें आगे चलने की टेंडेंसी है, उसमें एस्पिरेशंस है, उसमें एम्बिशन है, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग। दिन निकलना किसी भी आदमी की उम्मीद का प्रतीक है, उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, उसको लेकर के। और जो आई एल पेंसिरोसो है, यह जो है सेटिंग ऑफ द सन से शुरू होता है। तो सेटिंग ऑफ द सन किसका प्रतीक, इट इज द सिंबल ऑफ व्हाट, इट इज द सिंबल ऑफ द यू कैन से कि द डाउनफॉल, इट इज द सिंबल ऑफ द यू कैन से कि जस्ट क्रशिंग ऑफ द इमोशंस का या उसका। तो ये चीजें आई एल पेंसिरोजो क्या, इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ कंपेरियन पीस टू एल एलिग्रो। ये जो है एल एलिग्रो का एक कंपेरियन पीस है, मतलब आई एल पेंसिरोजो और एल एलिग्रो दोनों का दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मगर एक दूसरे के एक मगर एक ही दूसरा इनकम्प्लीट है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और जो एल एलिग्रो है वह क्या है, अ विजन ऑफ पोएटिक बर्थ। एल एलिग्रो में तो पोएट के बर्थ को, पोएट के जॉय को, पोएट के प्लेजर को लेकर के बात की गई है। इट बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ द सन, इन द पोएम द पोएट इज इन कंटेम्पलेटिव मूड। इट बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ द सन, और इसमें क्या दिखाया गया है आई एल पेंसिरोजो में कि द पोएट इज इन कंटेम्पलेटिव मूड, इन थॉटफुल मूड, इन विचारशील है, सोचता बहुत ज्यादा है, और ऐसा लगता है जैसे जो आदमी की जो ड्रीम्स है वो पूरा नहीं हुए, ख्वाब पूरा नहीं हुए, आकांक्षाएं पूरा नहीं, उम्मीद नहीं पूरा हो जाता है, उस कंडीशन की, इसीलिए इसको सेटिंग ऑफ द सन से दिखाया गया है। द पोएम पब्लिश इन द 1645-1646, ये हमें पता है कि मिल्टन का जो 1645 कलेक्शन आया था उसमें ही ये पब्लिश हुआ है, और क्वार्टो फॉर्म, अभी मैंने क्वार्टो का किया था। क्वार्टो क्या होता है, चार पेज का लीफ होता है और उसको फिर बाइंड करके जो है दो दो पेज अलग अलग किया जाता है, क्वार्टो, जिस लेफ्ट पेज को क्या कहा जाता है। वर्सेस द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन लैटिन पब्लिश बाय हम्फ्रे बॉजली, और वो जो पोएम पब्लिश हुआ था 1645 में, उसके पब्लिशर का क्या नाम था, हम्फ्रे बॉजले ने। द पोएट इनवोक्स डिवाइनेस्ट मेलंकोली, इसमें पोएट ने जिस देवी का आह्वान किया वो कौन है, डिवाइनेस्ट मेलंकोली, टू इंस्पायर हिज फ्यूचर वर्सेस। वह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में उसका वर्सेस कैसे होगा, किस तरह की कविता होगी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब चीजों को लेकर के वह बात करता है। सो इन टूडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट आई एल पेंसिरोजो, इन टूडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट एल एलिग्रो, इन टूडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट मिल्टन 1645 पोएम, एंड इन टूडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट What are the meaning of Krishna nativity? I hope that you all have enjoyed the session. Just give me your feedback quickly. Meet you tomorrow. Jaldi jaldi apna jo hai response mujhe dijiye. Did you come to know or not? Was it interesting or not?
Suban is saying ki where is this interesting. Archana, yes sir, interesting, good. I'm really satisfied with 2 days. Kasprasun, Diveni, Arifa, being very much interested, sir. Suban was in a very interesting, of course, a very good food. Thank you. Thank you, Manisha. Thank you, Arifa. Thanks, Suban, Archana, and all those who have joined this session. Rama, Manisha, Bushra, Arifa, Archana, Suban, Jalil, Bhai, Prasoon, Madhuri, Sweta. Thanks everyone for giving your beautiful company and precious time listening with fascinating. Thanks to all of you.